दोस्तों, अब मैं हूँ अथानी रोड पर और एक रास्ते के बगल में एक छोटी सी फार्म नर्सरी है, वहाँ आया हूँ कुछ पौधे खरीदने। ये रहा, ये इस तरह से इन्होंने सारे प्लांट जो है रखे हुए, अलग अलग पौधे, फूलों के पौधे हैं और इस तरह से नर्सरी ना है ना, तीन 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 पौधे। हाँ, एक चिकू। हाँ, चिकू छोटा सा, इतना नहीं। ये है एक चीकू का पेड़ पौधा और एक पेरू भी इतना। हाँ नहीं, सादा। हाँ हाँ, छोटा। रामपन ना, हाँ रामपन। हाउ मच? इंग्लिश में 150। ये कौन सा चिकू? 150। ओके। अच्छा, इन्होंने दाम बताया। ये चिकू जो है 150, ये पेरू 120, ये रामफल 120। सो 390। Give me 350। अभी ये पौधे मैंने लोड किए हैं और मैं अभी गोल गुंबद के तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ मुझे वो रमेश साहब मिलेंगे जिन्होंने मुझे एक्सक्लूसिवली बीजापुर घुमाया था। वही मुझे आगे कुछ गांव लेके जाएंगे और हम वहाँ पौधे लगाएंगे। चलो चले। तो दोस्तों, अभी हम पहुँचे हैं दाबेरी गांव में। अभी यहाँ इस दाबेरी गांव में एक पेड़ लगाते और एक गांव एक्सप्लोर भी करते हैं। चलिए सर, अभी हम ये पेड़ के साथ भगवान मंदिर। हाँ, ये मेरे ख्याल चिकू तो पेड़ है ना। हाँ चल चल, अभी हम जा रहे हैं। ये गुडले गाँव वाला भगवान देवी बागूबाई मंदिर मंदिर में और मंदिर करने जा रहे हैं। और ये है रमेश जी के हाथ में ये चिकू का पेड़ है और यही परिसर में हम ये चिकू का पेड़ लगाएंगे। और ये देखिए खूबसूरत सा ये मंदिर बन रहा है। हाँ, मंदिर बन रहा है। बागूबाई का ही मंदिर बन रहा है। बहुत खूबसूरत सा है। सॉरी, एक रेड सैंडस्टोन है। हाँ, रेड सैंडस्टोन। और ये पूरा मंदिर जो है रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, बन रहा है बेसिकली। बहुत बढ़िया। हेलो, ये रेड स्टोन से मंदिर, खूबसूरत सा मंदिर बन रहा है। बहुत ही अच्छा। और इस मंदिर का ये परिसर, और परिसर में ही एक कुछ ऑफिस है। अच्छा, ये मंदिर का ऑफिस है।
अभी हम इसी मंदिर के परिसर में ये चीकू का पौधा जो लगाएंगे और और हम इसी परिसर में एक पेड़ लगाने जा रहे हैं। तो ये गांव की यात्रा या जत्रा कब होती है, क्या बोलते हैं यहाँ पर? हर मंगल सोमवार यात्रा जैसे यहाँ। अच्छा अच्छा, हर मंगलवार और हर शुक्रवार शुक्रवार को यहाँ यात्रा रहती है। यात्रा के ज्यादा लोग रहते हैं। अच्छा, आपको पैर रखने जगह नहीं मिलेगी। ओके ओके, ये अभी मैं आपको एक छोटा सा नज़ारा दिखाने जा रहा हूँ। और ये आप अगर देखोगे तो ये है गैबरेज तालाब। इसी गांव के बगल में ये खूबसूरत सा तालाब है, गैबरेज तालाब। और यहाँ पर हम ये चीकू का पेड़ लगाने जा रहे हैं। और दाबेरी गांव में, अगर दावगिरी गांव के बारे में बताता हूँ आपको, कि वागजाई मंदिर यहाँ का बहुत सुप्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ हर मंगलवार और शुक्रवार को यहाँ यात्रा भरती है। और इसी गांव में एक दरगाह भी है, एकतारफीरा दरगाह है दोनों तरफ। तो दोस्तों, अभी हम दावगिरी गांव में हैं और ये चीकू का पेड़ जो है हम यहाँ लगाने जाएंगे। तो दोस्तों, कर्नाटक का पहला पेड़ जो है हम वागमन मंदिर के बाजू में लगाया गया। हाँ, ये हमने लगाए हैं। और दोस्तों, ये चीकू का पेड़ हमने लगाया है, बेहद आनंद हुआ और मज़ा आया। एंड उनको भी कहूँगा सीताराम थैंक यू। और ये पहला पेड़ हमने कर्नाटक का पहला पेड़ हमने लगाया है वागबे मंदिर के परिसर में। हाँ, कंधे में क्या भाई, कल मारी ये क्या कर रहे? ये जो एक परंपरा है जो इसकी मन्नत पूरा होती है, जो जिसकी जो मन्नत यहाँ जो देवी है यहाँ वो मन्नत मांगती है और जो मन्नत पूरी होती है तो तकरीबन 101, 250, 1000 जो उन्होंने बड़ी है। हाँ, अभी तो बड़ा लो एक नारे लिए लगातार फूटते रहते हैं। दोस्त, बात कर सकता हूँ आपसे मैं? भैया हेलो सर, बात कर सकता हूँ आपसे? कन्नड़ हिंदी बड़ा कन्नड़ हिंदी इंग्लिश कन्नड़ सर कन्नड़ मत सर सिद्धू आप क्यों फोड़ रहे हैं? ये सिद्धू साहब है और इनके घर में एक बच्चा बीमार था और अब इन्होंने यहाँ मन्नत मांगी और ये बच्चा अभी ठीक ठाक है और किसी की मन्नत इन्होंने पूरी की और उससे सारा ये यहाँ फूट रहा है। Thank you.
काबेरी गांव जो है वो जा रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। और अंदर का गांव का नज़ारा कुछ इस तरह से। ये इस तरह से ये गांव का नज़ारा। और दो बच्चे लोग झगड़ा करते हुए, क्यों करे मारा मारी। ये पुराना स्ट्रक्चर लग रहा है, बड़े बड़े पत्थर के पुराने घर होते थे, सिंगल डोर होते थे वो लग रहा है। और अभी थोड़ा नया कंस्ट्रक्शन, 1230 घर मकान है, 1230 मकान है। अच्छा, 1230 6000 लोग संख्या है। ओके, गांव की जो पॉपुलेशन है वो 6000 के करीब है और 1230 घर है। ये देखिए पुराना स्ट्रक्चर लग रहा है, ये चक्की है, और पुराना कंस्ट्रक्शन ये देखिए, ये पुराने स्टाइल से बनाया हुआ पत्थर और मिट्टी से बना हुए ये घर है। इसकी मजबूती देखिए, पुरानी आटे की चक्की है, और इसमें जो है वो आटे की चक्की है पूरा, इसी तरह का ये घर लग रहा है। नमस्कार। अच्छा, छोटा सा कपड़े की दुकान है। अच्छा, लैंग्वेज में मेजर प्रॉब्लम है। नहीं प्रॉब्लम है, बोल मैं मतलब पूरा कुमार से मुर्गा डोकर लड़ा लड़ा पापा ने देना ना कहीं तुझे तभी गया बोलते ना साहब वाला कौन तुम बता यहां कौन मर रहे थे ना हिंदी थी कनकदास चौक मन सांगा सरकत ना। अभी ये आगे आप जो देख रहे हैं वो कनकदास चौक। नमस्कार। क्या आपका नाम? नाम नहीं 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 अच्छा नाम विचार बलबीम पुजारी। बलबीम पुजारी मुल्ला। तो मुल्ला साहब आपसे मिलकर खुशी हुई, आपसे मिलकर खुशी हुई, धन्यवाद। गांव देख रहा हूँ। तो माता पूजा कर रहा। अच्छा। साउथ ला पूजा म्हणते ते, हां नॉर्थ ला पूजारा म्हणतात। अच्छा, आपले केकडे पक्के ना पूजारा। हां हां, तो देवस्थान पूजा असते। अच्छा, ये गांव का इस तरह से पानी लाने का। ये कहाँ से लाते पानी? ऊपर पानी अभी देख दिखाई ना तालाब से। अच्छा अच्छा, सब तालाब से लाते हुए पानी पीने के लिए। और इस तरह से ऐसा गांव का नज़ारा है। हम पैदल ही ये गांव एक्सप्लोर कर रहे हैं, निकल पड़े हैं। आप उठ लगते हो गए अखबार वहाँ से तो बस सर्कल डाबेरी बोल देखो। हाँ, ये दाबेरी और तारा सेवती। अगर 2 किलोमीटर आगे तक चले जाओगे तो वो तारा सेवती गाँव आएगा। या कन्नड़ में लिखे ले नीचे। अच्छा, कन्नड़ ये पीछे वर्ड लिखे ले कन्नड़ वर्ड। कन्नड़ और ये इंग्लिश, लेकिन अच्छा हुआ इंग्लिश लिखा है तो पता तो चले। बसवेश्वर सर्कल। अच्छा, अभी हम आए हैं बसवेश्वर सर्कल में। अच्छा, ये भी गाँव। हाँ,
अच्छा ये वे ये गांव की वे जरा आतुन फिर तुम ये गांव की बाउंड्रीज है सर करना में प्रवेश द्वार होता है ये उससे गांव की एंट्री होती रहती ये है बाउंड्री सर्कल बाउंड्री कमान आजू में मस्जिद बगल में मंदिर और ये आप मेरे लेफ्ट में आए जो देखोगे वो है मस्जिद मस्जिद और उसके बिल्कुल बगल में जहाँ ट्रैक्टर भी है वहाँ देवी माता का मंदिर है और ये क्या है पंचायत अच्छा और ये पंचायत ऑफिस और ये है यहाँ का ग्राम पंचायत ऑफिस ये है यहाँ का ग्राम पंचायत ऑफिस ये यहाँ पर मस्जिद बाजू में देवी माँ का मंदिर और ये बिल्कुल यहाँ पर मेरे ख्याल से यहाँ के कुल देवता होंगे ग्राम देवता ये है यहाँ के ग्राम देवता काम करते हैं अच्छा लक्ष्मी माता ये इनकी ग्राम देवता लक्ष्मी माता है और ये इस तरह से जो है यहाँ गांव वाले लोग कट्टे पे बैठ जो चौपाल कहा जाता है उसे अब ये हम आपको पूरा दिखाते हैं इतने नमस्कार लगा बोलता नमस्कार हाँ अभी गाँव वाले लोग इससे बात करते हैं नमस्कार आपका गांव दिखा रहा हूँ नमस्कार नमस्कार और ये है यहाँ का हनुमान मंदिर बहुत ही खूबसूरत सा पुराना मंदिर है और मेरे साथ बच्चे हाय हेलो क्या तुम क्या खा रहे हो चकली खा लो चकली तुम क्या खा रहे हो पेड़े खा रहे हो वाओ चलाने गया चलो धन्यवाद थैंक यू आरती का अब हम गांव के थोड़े दूर अंतर पर दरगाह है वहाँ की तरफ जा रहे हैं सूफी संत का नाम है एकतार पीरा और ये दरगाह के सूफी संत का नाम है एकतार पीरा के दरगाह पर जा रहे हैं हम लोग न्याज के लिए बर्तन ले जा रहे हैं न्याज करते ना बकरे करके वो दिखाओ ऐसा लो यहाँ न्याज आज मेरे ख्याल से कल न्याज है आज है जब जाएगी भाई ले जाए आज गुरुवार है ना अच्छा अच्छा गुरुवार जो इस्लाम दरगाह को गुरुवार करना पड़ता है न्याज गुरुवार शुक्र दो दिन करते थे अभी उनकी न्याज लोग बर्तन में जाके हाँ तो इन्होंने बकरा करके बर्तन दिखा के आज जो है इस दरगाह में न्याज है न्याज किसी मन पूरी हुई उसके लिए वो भी कर रहे हैं नाले फोड़े और आज मेरे ख्याल से इस दरगाह में न्याज है और न्याज का मतलब है किसी की मन्नत जो है वो पूरी होती है तो वो सारे डिवोटीज को जो है खाना खिलाते हैं प्रसाद खाना खिलाते हैं प्रसाद खिलाते हैं अब हम जा रहे हैं दरगाह के अंदर और ये उसका परिसर है और बहुत ही खूबसूरत परिसर है बहुत वेजिटेशन ब्यूटीफुल वेजिटेशन अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम क्या आराम पापा आराम है नहीं हाँ आराम है क्या बाप तुम आराम है आराम है क्या चल रहा है ये ट्यूब पर लोगों दिखाने की दरगाह और ये दरगाह जो है अंदर से इस तरह से है मैं इसका जामा लगा दूँ भरते आते अर्जुन शूज काटे चाहिए हाँ
और ये आप जो देख रहे हो वो है इस दरगाह का मेन गेट। अभी ये मेन गेट और ये समाधि, ये रही तीन समाधियाँ। नमस्कार, टीवी पर दिखाने का जो जगह से ऐसा लोग रहते हैं। आजा, मुझे इस दरगाह के बारे में कुछ बता सकते हैं? बोलो। इन दरगाह के बारे में आपको खाली जानकारी है? इनके सामने ठहर के देना। बोलो इनके नाम क्या है, कौन से कब संदर्भ दोनों भाई। पूजा दो पूजा अच्छा मैं हाँ हाँ मुलाकात होती। अच्छा तो दोस्तों हमारे साथ है यहाँ के मुजावर, मुजावर ना। अभी दोस्तों हमारे साथ है इस दरगाह के मुजावर और हमें इस दरगाह की महानता के बारे में बताएंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। आप क्या मान्यता है दरगाह का? मखदूम साहब चंदा साहब। अच्छा, उग्रवाद वाले लाले में था। अच्छा, उनका पहले जमाने के अंदर बोला चाली करे थोड़े लाले में था। तो ये दरगाह कब से है? कब से गए जमाने से पहले से था, यानी फिर भी 100 साल 150 साल। हाँ, 100-150 साल से तो। और ये दरगाह ये अभी इतनी थी कि छोटी थी, अभी बड़ी बन, कभी बड़ी बन गई ये? अभी बड़ी बनकर 21-40 साल हुआ। अच्छा, और लोगों की धारणा क्या है यहाँ? लोग सबकी धारणा है। अच्छा, और यानी किस तरह की धारणा है, यानी अगर कोई मन्नत मांगता है तो पूरी मन्नत मांगता है? मन्नत मांगे नहीं, पूरी उनकी मन्नत हो जाती है। अब सब है ना भैया, पूरे मन्नत मांगे। अच्छा, ये जो न्याय जो चल रही है आज, तो उन्होंने मन्नत मांगी इसलिए वो मन्नत मांगे चली जा रही है, न्याय पूरा होने बाद न्याय करना। न्याय जी, अच्छा, जो भी तुम्हारा मन्नत है आने का है, उनके पत्थर लगा लेने का है, जाकर निकले। अच्छा अच्छा, कोई इस दरगाह के बारे में, मज़ार के बारे में कुछ कहानी हो तो बताइए। कहानी है, हमारा भाई का बेटा है मोहम्मद उस्मान बोलते हैं, बीजापुर में है। अच्छा, हाँ, हमेशा यहाँ चलता है, पूरा हिस्ट्री है। अच्छा, हिस्ट्री पूरा है। क्या बोलते कागजपत्र? अच्छा, संपूर्ण म्हणजे यांचे खाते आले, कधी वारले, यांचे शिष्य कोणते, गुरुत्व आहे, कागदपत्र, डॉक्युमेंट्स रेडी, यांचे नाव, मुलगा पाहिजे, शिजरा मुलगा पाहिजे, त्याच्यापाशी आहे सर। अच्छा, उचके पास सारे दस्तावेज है यहाँ के। ओके, ये दरगत का पेड़ भी, बरगद का पेड़ भी बहुत पुराना है लग रहा है। इसके भी पुराना पड़ा है, ये भी नीम का पेड़ भी बहुत पुराना लग रहा है। चक्कर कितने साखर पड़ते हैं, पत्ता पत्ता गोल लगता है, कड़ू लगता है, गोल है। अभी ये क्या कह रहे हैं कि ये नीम के पत्ते जो है वो मीठे लगते हैं, कड़वे नहीं लगते, कोशिश करें बेटा। कुछ है नीम के पत्ते जो निकाल देना क्यों सांगा, तेल इतने जोड़ना पैसे विषय समझ जाना, ये तो उनसे विषय नहीं। अच्छा, करामत है।
हम उड़ी मतलब बाबा की करामत। अरे वो बच्चा भी ऊपर चढ़ा है। ये नीम के पत्ते मांगे थे मैंने, देख चाणक कौन दो। हाँ बस बस बस, थैंक यू थैंक यू बेटा। आजा नीचे आ जाओ, संभाल के आना। नीचे अभी ये पत्ते हमने लिए और ये फ्रेश पत्ते अभी अभी बच्चे ने। आपका नाम? हाँ हसीफ। हसीफ ने ये हसीफ मकतूम साहब। हाँ हसीफ मकतूम, इन्होंने मुझे पत्ते ला के दिए। अभी एक मिनट टेस्ट करूँगा। करवट नहीं है, धीमे धीमे करते हो। अच्छा इनके जो हीरे हैं जिनके में जो हर नीम के पत्ते ऐसे हीरे छोड़ जब दूर दूर तो करवाए। अच्छा ये क्या है? उद्यान है, स्टैंड आगे पर स्टैंड है, ये उद्यान है। हाँ चलिए शुक्रिया। ऐसे क्या बकरी में संदल होतो बकरी मध्ये काय बकरी महिन्याची जात्रा होती यात्रा। अच्छा बकरीच्या महिन्यात। अच्छा बकरी ईदच्या वेळेस यहाँ की यात्रा जो है वो बकरी। हाँ वो उरुस उरुस संदल उरुस संदल उरुस। हाँ बकरीच्या 15 तारखेला यानी बकरी जब होती है उसे 5 दिन। हाँ वो 5 दिन यहाँ संदल उरुस होता है और भारी संख्या में लोग यहाँ आते हैं। चलो धन्यवाद शुक्रिया। तुम्हें क्या मन करता है? अभी हमारे साथ में चिदानंद दाबेरी। आप न्याज दे रहे हैं जी? और क्यों दे रहे हैं? वो बाल कटने के लिए। जावड़ा काटा सके जो कितने साल का बच्चा? 11 महीने का। इनका बच्चा 11 महीने का हुआ है और जब बाल कटाई आपका पूरा इनका पुत्र है। इनका बेटा जो है 11 महीने का हुआ। बेटे का बेटा ग्रैंडसन ग्रैंडसन ओके सॉरी इनका इन साहब का ग्रैंडसन 11 महीने का हुआ। जो एक रस्म होती है बाल काटने की, वो बाल काटने की रस्म इन्होंने पूरी की है और इसी वजह से ये न्याजी यहाँ दे रहे हैं। थैंक यू थोड़ा गड़बड़ होते हैं।